कुल्लू जिला के मुख्य शहरों में कूड़े कचरे की समस्या का अब जल्द ही स्थायी समाधान होगा। उपायुक्त यूनुस ने नगर परिषद कुल्लू को 50 लाख रुपए की राशि संयंत्र की स्थापना के लिए जारी कर दी है। यह जानकारी उपायुक्त ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण, रिसाइकिलिंग व कचरे से ऊर्जा उत्पादन, ये सभी कचरा प्रबंधन के मुख्य घटक हैं, जिन पर बारीकी से कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि कुल्लू में पालमपुर की आईमा ग्राम पंचायत में स्थापित किए गए कूड़ा कचरा निदान संयंत्र की तर्ज पर संयंत्र की स्थापना की जा रही है और इसकी निविदा प्रक्रिया सोमवार से आरंभ की जाएगी तथा संयंत्र अगले 2 माह के भीतर हर हाल में स्थापित किया जाएगा। गार्बेज को लेकर, कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर जो दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर हम काफी समय से प्रयासरत थे, काफी हमने कार्य भी किए हैं। हमें अभी कुल्लू, मनाली और भुंतर जो MC और नगर पंचायत है हमारी, उनमें गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने का, इसमें जो साथ में लगती हुई पंचायत एरिया भी है उनको भी हम कवर कर रहे हैं। मनाली में हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो इंस्टॉल होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने का समय अभी हमें लग रहा है, और क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, वो सब इम्पोर्ट होनी है फॉरेन नेशन से, जिसकी कैपेसिटी 1.2 मेगावाट है। उसके लिए मनाली MC एरिया का जो गार्बेज रहेगा वो मेन रहेगा, परंतु कैपेसिटी के हिसाब से गार्बेज इनको और चाहिए, तो कंपनी ने MC कुल्लू और MC भुंतर को ये प्रपोजल दिया है कि अगर आपके यहाँ पे गार्बेज अगर एक्स्ट्रा होता है तो हमें प्रोवाइड किया जाए। और साथ के साथ हमने पतलीकूहल और नगर का जो पंचायत एरिया है उसका भी हम क्लस्टर बना रहे हैं, ताकि सभी का गार्बेज साइंटिफिक वे में एक जगह जाके वेस्ट टू एनर्जी, मतलब वहाँ इंसिनरेट हो और उसकी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, जो लोकल जो एरिया है वहाँ पे सेल आउट हो सके। एक ये प्रोसेस है जो जल्द ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में मैंने MC कुल्लू को अलग से अभी बजट प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी 50 लाख की जो अभी इनिशियल अमाउंट है मैंने सेंक्शन कर दिया है। वो जल्द ही जो पालमपुर मॉडल है, जिसको ये देख के आए थे, विजिट करके आए थे, उसके ऊपर टेंडरिंग प्रोसेस और जो जितना भी नेसेसरी टेक्निकल चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगता है सोमवार से उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक इंसिनरेटर, एक कंपोस्टर और एक कंप्रेसर ये जल्द इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके लिए इनके पास ज़मीन का कोई अभाव नहीं है और लैंड इनके पास अवेलेबल है, जो ये कार्य इन्होंने हाउस में भी डिसाइड कर लिया। तो कुल्लू में एक ऑप्शन ये रहे, एक विकल्प ये। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से आलोक की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल पेश करते हैं लगातार 10वें साल डाबर आमला मिस हिमाचल 2019 इन एसोसिएशन विद मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप 18 से 25 साल के बीच की हिमाचली युवती हैं, तो चले आइए मिस हिमाचल गोल्डन ऑडिशन में 5 मार्च को बाबा रिजॉर्ट धर्मपुर कसौली हिल्स में। इस सीजन में एंट्री का लास्ट चांस है। डाबर आमला प्रेजेंट्स मिस हिमाचल। जब आप होंगी अंदर से मजबूत तो ही होंगी खूबसूरत। ज्यादा जानकारी के लिए मिस हिमाचल का फेसबुक पेज लाइक करें या व्हाट्सएप करें 9625111411।